मुर्दाबाद उग्रवाद उग्रवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद उग्रवाद उग्रवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन मुर्दाबाद मुर्दाबाद उग्रवाद उग्रवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद उग्रवाद उग्रवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद बंद करो उग्रवाद उग्रवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद उग्रवाद उग्रवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय उग्रवाद उग्रवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद भारत माता की जय भारत माता की जय हिंदुओं का कत्लेआम बंद करो बंद करो बंद करो हिंदुओं का कत्लेआम बंद करो बंद करो बंद करो रजौरी के अंदर जो घटना हुई बहुत ही शर्मनाक घटना जो है रजौरी के अंदर हुई। 15 दिन पहले 2 हिंदुओं की हत्या की जाती है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन की लापरवाही के कारण पहले से ही वहां से सूचना थी कि यहां पर आतंकवादियों की गतिविधियां जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही हैं, लेकिन फिर भी इतनी लापरवाही हुई कि कल एक गांव में घुसकर 3 हिंदू का कत्लेआम किया गया, उसमें 10 लोग जो है वो जख्मी है, और सुबह एक आईडी ब्लास्ट के द्वारा एक और हिंदू की हत्या हुई। मैं इस मंच से ये कहना चाहता हूं कि अभी जो सूचना इस जम्मू कश्मीर के अंदर है वो 300 आतंकवादी जो है वो सक्रिय है जम्मू कश्मीर के अंदर, और अभी जो पाकिस्तान से यहां आने वाले हैं उनकी 200-250 की संख्या जो एजेंसी के द्वारा खबर है। इसलिए मैं यहां की एडमिनिस्ट्रेशन और यहां के लोगों को यह कहना चाहता हूं कि कोई भी आदमी जो आने जाने वाला है उन पर नजर रखी जाए, उनकी गतिविधियों पर नजर रखी जाए। बहुत सारी जगहों पर यहां कैमरा जो है वो बंद पड़े हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, जैसे गर्ल हाई सेकेंडरी स्कूल के पास जो कैमरा लगा था वहां पर भी बंद पड़ा है, और कई ऐसी घटनाएं जो है आतंकवादी यहां पर भी जो अंजाम दे सकते हैं। इसलिए आज पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा जो धरना प्रदर्शन और जो नालायक की एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हुई है उसका रोष प्रकट करते हुए पूरे जम्मू के अंदर जो विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के द्वारा काल थी उसी उपलक्ष्य में आज हमने यहाँ पर भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था, लेकिन हमने सोचा ये चीज जो है बाजार के अंदर पुतले को जलाकर सारे समाज को और यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को सतर्क किया जाए कि ये घटनाएं यहाँ पर भी हो सकती है। जिस प्रकार से आतंकियों ने अपना रवैया बदला है, आम हिंदू का कत्ल जो शुरू किया है, ये घटनाएं यहाँ पर भी हो सकती है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन को यह सतर्क रहने की जरूरत है। अगर इन सारी चीजों पर एडमिनिस्ट्रेशन ने ठीक तरीके से अंकुश नहीं लगाया तो आने वाले समय में सभी हिंदू जो है वो रोड पर आ जाएंगे और यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर को संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। यही बात कहकर मैं भारत मुर्दाबाद मुर्दाबाद उग्रवाद उग्रवाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद हिंदू का कत्लेआम बंद करो बंद करो हिंदू का कत्लेआम बंद करो बंद करो रजौरी में हत्यारों को फांसी दो रजौरी में हत्यारों को फांसी दो हिंदू का कत्लेआम बंद करो बंद करो उग्रवाद उग्रवाद मुर्दाबाद आज जो बहुत दुखद खबर है कि कल रजौरी के अंदर जो एक गांव में आतंकवादी घुसे और पूरे हिंदुओं को एक लाइन में इकट्ठा करके अंधाधुंध गोलियां चलाई, जिसमें भगदड़ मचने के बाद 10 लोग जख्मी हुए और 3 लोग जो है ऑन स्पॉट वहां पर उनकी डेथ हुई।
और प्रशासन की इतनी नालायकी, इतना बड़ी घटना होने के बावजूद भी पुलिस जो है कितने 4 घंटे के बाद वहाँ पहुँचती है और सुबह आज फिर आईडी ब्लास्ट होती है और एक हिंदू की हत्या फिर होती है। जबकि 15 दिन पहले ये घटना हुई थी जिसमें 2 हिंदुओं को मारा गया था, वहाँ के लोगों ने प्रोटेस्ट भी किया था, लेकिन 15 दिन के अंदर प्रशासन नाकाम रही उन आतंकियों को पकड़ने में जो उस एरिया में रह रहे थे और इतनी बड़ी घटना को जिन्होंने अंजाम दिया। इसलिए आज हमने ये प्रोटेस्ट इसलिए किया है कि ऐसी घटनाएं हमारी डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ और ऐसे एरियों में भी हो सकती हैं, क्योंकि एजेंसी के द्वारा जो खबर मिली है 300 आतंकी जो है यहाँ पर सक्रिय है। इसलिए यहाँ की सिक्योरिटी की हर चीज़ को चेक किया जाए, यहाँ के कैमराज, यहाँ की सिक्योरिटी को अलर्ट किया जाए ताकि ऐसी घटना ना हो और आने वाले समय में यहाँ ये आंदोलन जो है उग्र रूप न ले जिसमें हर हिंदू को रोड पे आना पड़े। बस इसलिए आज जो हमने ये प्रोटेस्ट किया है।